आपकी चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपकी चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, आपकी चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दोस्तों क्यों ऐसा हो रहा है, आपकी क्या गलती है कि जिसके वजह से आप अपनी यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं कर पाते हो, या फिर आपको नहीं व्यूज़ मिलते, नहीं सब्सक्राइबर्स मिलते, ना ही वॉच टाइम मिलता है, और जो आपका वॉच टाइम है वो भी कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आपके चैनल की ग्रोथ है वो कम हो रही है, आपको ना ही सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ना ही व्यूज़ मिल रहे हैं, आपके वीडियोस भी कोई देख नहीं रहा है। तो दोस्तों वो कौन सी आपकी गलती है, वो सब कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और बात में आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से आप अपने चैनल की ग्रोथ बना सकते हो, व्यूज़ चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो, और अपने चैनल की ग्रोथ बढ़ा सकते हो। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मेरी 2 महीने के बाद मेरी यूट्यूब चैनल पर डेफिनेटली वीडियो होती है, और आज एक मेरी वीडियो वायरल हो चुकी है, और वहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करोगे, मेरी सब वीडियोस को देखोगे, तो मेरी टॉप जो वीडियोस वायरल है वो आप देख सकते हो कि 15 से 20 वीडियो मेरी वायरल हो चुकी है, और उसी वायरल वीडियोस की वजह से मुझे 2 महीने के अंदर अंदर 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं, और वहाँ पर जो मेरे चैनल की ग्रोथ है वो 157 यानी कि वहाँ पे बढ़ चुके हैं, और वहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है अपने सब्सक्राइबर्स का, अपने व्यूअर्स का। तो दोस्तों वो मैंने कौन सी गलती थी जो मैंने सुधार दी है, और कौन सी ट्रिक मैंने यूज़ की है, वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों वो ट्रिक आपने सुनी होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपको पता होगा, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी ट्रिक्स है, उस ट्रिक की मदद से मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो अगर आप समझ गए ना, तो आप किसी से नहीं पूछोगे कि किस तरीके से अपने चैनल की ग्रोथ बढ़ाए, या फिर कैसे वॉच टाइम कम्प्लीट करें, या फिर कैसे सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करें, या फिर अपनी YouTube वीडियोस को कैसे वायरल करें। वो सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो 100% आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोल राजू, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल राजू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हो तो दोस्तों सिंपली आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं है, आपको पहले तो आपको अपने YouTube चैनल पर कुछ वीडियोस को कलेक्ट करना है, यानी कि आपको डेली की 2-3 वीडियोस बनानी है। इस तरीके से आपको 1 महीने या 2 महीने तक आपको काम करना है उस पर। और वीडियो बनाने के साथ साथ दोस्तों आपको वीडियो का क्वालिटी कंटेंट को भी आपको ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पर उनकी वीडियो वायरल भी होती है, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि वहाँ पर ना तो उनको अच्छा खासा वॉच टाइम मिलता है, ना फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलता है। दोस्तों आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे ढूंढने हैं कि जहाँ से वीडियो वहाँ पर लोग देखना पसंद करें, और आपकी वीडियो अगर कोई बंदा आता है तो वहाँ पर मिनिमम 2 या 3 मिनट तक रुके, ऐसा आपको अपने वीडियो क्वालिटी कंटेंट बनाना है, और अपने कंटेंट के साथ आपको एक सच्चाई भी देनी है अपने व्यूअर्स को। यानी कि आपको ये नहीं करना है दोस्तों कि आपने बोला कुछ और निकला कुछ और, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको जो बोलना है, जो आप बताते हो वो एकदम जेन्युइन बताओ, एकदम रियल बताओ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अपने क्वालिटी कंटेंट का ध्यान रखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्वालिटी अच्छी नहीं बताते हैं, या फिर कंटेंट में दम नहीं होता है, उसकी वजह से उन लोगों की वीडियो वायरल नहीं होती है। अगर मान लो दोस्तों आपको हर बार यही सोचना है कि ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वायरल हो जाएगी, ऐसा सोच के आपको वीडियो में हो सके उतना ज़्यादा अच्छा ट्राई टू द बेस्ट आपको देना है अपनी YouTube वीडियोस पर, और इस तरीके से आपको डेली की वीडियोस बनाते रहना है। एक ना एक दिन आपकी वीडियो 110% वायरल होगी, उसी वायरल के हिसाब से आपको वहाँ पे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड अपने चैनल की ग्रोथ मिलेगी। यानी कि अगर आपकी एक भी वीडियो वायरल होती है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा दम रहा, अच्छी क्वालिटी कंटेंट रहा, तो आपकी वीडियो वायरल होगी। उसी के साथ साथ अच्छा खासा एंगेजमेंट रहा, तो आपकी एक वीडियो की वायरल होने के साथ साथ आपकी बाकी की और वीडियोज़ भी वायरल होगी, उसी के साथ अपने चैनल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उस पर आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात दोस्तों, वीडियो वायरल होती है तो कैसे होती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो डाल दी और वायरल हो गई, दूसरी डाल दी और वायरल हो गई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो 2-2 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी वीडियो वायरल होती है, और उसके बाद वो जब ज़्यादा पहुँचते हैं और ज़्यादा काम करते हैं YouTube पर, तो वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे रहते हैं। तो दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही काम करना पड़ता है। पहले तो आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट एकदम बेस्ट रखो, एकदम बढ़िया सा रखो, ट्राई टू द बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाओ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने थंबनेल पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जो थंबनेल होता है वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, उनकी वजह से ना तो कोई व्यूज़ आता है,
ना ही कोई चैनल की ग्रोथ हो जाती है। यानी कि अगर आपका थंबनेल में ही दम नहीं होगा तो वीडियो कैसे लोग देखेंगे। अगर एक दो व्यूज़ आ भी गए तो उससे ये फ़र्क आपकी वीडियो वायरल होने का चांस नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो दोस्तों आपने वीडियो वायरल करवानी हो तो टाइटल टेक्स्ट की तो हम बात छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका थंबनेल अच्छा रहता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों की आप वीडियोस देखोगे और अगर उनके आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो ना तो कोई डिस्क्रिप्शन होता है ना तो कोई टैग्स होते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी वीडियोस होती है लेकिन उनके व्यूज़ होते हैं मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टाइटल में नहीं, टाइटल एंड थंबनेल में दम होता है। उसी के साथ साथ उनकी वीडियो क्वालिटी होती है वो एकदम बेस्ट होती है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अच्छी खासी एडिटिंग कर लेनी है, वीडियो की एडिटिंग, वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट, वीडियो का थंबनेल अच्छा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन की। तो दोस्तों अगर आपको अपनी वीडियो वायरल करवानी है, अगर आपकी वीडियो आपको वायरल करवानी है दोस्तों, तो सिंपली आपको जिस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हो उस टॉपिक पर एक बार एनालिसिस कर लेना है, टॉप 5 वीडियोस देख लेने, उसकी बारे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो आप टाइटल दे रहे हो वही टाइटल को आप कट कर करके आप अपने टैग में डालो और उस टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डालो। यानी कि आपका टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन में एक ही कीवर्ड आएगा तो वो कीवर्ड रैंक करने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो उसी के हिसाब से आपका SEO भी हो जाएगा और आपका थंबनेल एकदम बेस्ट रहा, आपकी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन एकदम बेस्ट रहा और आपकी वीडियो क्वालिटी कंटेंट बढ़िया रही और वो वीडियो वायरल हुई दोस्तों, तो आप सोच सकते हो मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके आ सकती है आपकी एक वीडियो। एक वीडियो के थ्रू ही आप अपने 4,000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1,000 सब्सक्राइबर्स जो कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप नए यूट्यूबर्स हो या फिर आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स या फिर 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको कुछ ना होगा। आप ये मत कर लो दोस्तों कि एक बंदे की ये वीडियो वायरल हो गई तो उस टॉपिक पर बनाओ ये वीडियो वायरल। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों सबसे बड़ी बात, जब आपकी नई YouTube चैनल होती है तब आपको कुछ ऐसे टिप्स को ध्यान में रखना होता है कि आप कोई भी बंदा आपको कमेंट करता है तो उनका रिप्लाई दो, उनको लाइक करो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जितना आप ऑडियंस के साथ एंगेज में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ बातें करेंगे, वो सब कुछ करेंगे या फिर रिप्लाई देंगे तो उसमें आपका फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ एंगेज रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि ये बंदा जेन्युइन है, हर कमेंट का रिप्लाई देता है, हमको लाइक करता है, हमारी कमेंट को ध्यान रखता है, वो सब कुछ वो देखते हैं समझते हैं। उसके बाद आपके चैनल के वो लोग आपको जानने लगेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपकी कमेंट्स बढ़ेगी, आपको मोटिवेशनल आपको होते रहेंगे दोस्तों। और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं आपकी वीडियो वायरल होगी और कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत सक्सेस की ओर चले जाओगे और धीरे धीरे करके आप भी एक सक्सेस यूट्यूबर बन जाओगे। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में ठान लेनी है कि एक दिन में वीडियो वायरल हो जाएगी, हम मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल गुरु जी ने भी 0 सब्सक्राइबर्स के साथ ही शुरू किया था और तभी उनकी मेहनत की वजह से ही वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसी तरीके से आपको भी कुछ ऐसी मेहनत करनी है, उनका भी 0 से स्टार्ट हुआ था, आप भी 0 से, धीरे धीरे करके आप भी सब्सक्राइबर्स लेंगे, हम सब यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ बात ऐसे दिया और कुछ ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके चैनल टर्मिनेट हो सकती है। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पे आपको क्या गलती की वजह से आपके चैनल टर्मिनेट ना हो जाए, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बार फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।